आज नमस्कार सभी को राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। क्लास 10 विषय गणित, इसके अंतर्गत आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात अध्याय 6, इसमें हम आज मान ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले कल हमने इसके पहले जो क्लास लिखी थी सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण दिए हुए थे उन कोणों के बारे में, उनकी सारणी के बारे में अध्ययन किया था। 5 थीटा बताए थे, उन 5 ही थीटा में हम जैसे साइन का मान, कोस का मान, टेन का मान, किस तरह से हम सारणी बनाना, तो उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी सारणी के ऊपर जो आधारित सवाल है उसी के मतलब सारणी के अनुसार सवाल को हल कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहला उदाहरण के रूप में टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब यहां थीटा दिया हो, एक तो 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, ठीक है। ये मान हम क्या करेंगे, सारणी में से देखें, ठीक है। सारणी हमारे को सामने रखनी है और फिर उसके बाद सवाल को हल करना। अब यहां हमारे को क्या आया, टेन आया, टेन में 60 देखना पहले। टेन 60 का मान होता है रूट 3। सारणी में से मान देखने पर टेन 60 का मान कितना हो गया, रूट 3। अब दूसरी बात क्या है, टेन स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है, तो जो मान हमने यहां लिखा है उस मान के ऊपर हमारे को क्या करना है, घात लगा, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, तीन की जगह तीन, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हमारे को ध्यान रखना कि यहाँ पर गुणा का निशान लगाना है। फिर उसके बाद कोस 30 डिग्री आया, कोस 30 सारणी में से फिर मान देखेंगे, कोस 30 का मान होता है रूट 3 बटे में 2, लेकिन यहाँ वापस वर्ग है, इसीलिए क्या करेंगे, जो मान लिखा उसके ऊपर वर्ग वापस लगा देना है, ठीक है। अब रूट 3 का वर्ग है, रूट 3 को वापस रूट 3 से गुणा करेंगे, रूट 3 को रूट 3 से, यानी एक जैसे रूट की संख्या होती है उसको गुणा करते तो रूट हट जाता है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, केवल 3, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, इंटू की जगह इंटू, वापस रूट 3 बटे हुए 2 का वर्ग, यानी रूट 3 बटे हुए 2 को वापस रूट 3 बटे हुए 2 से गुणा, तो ऊपर रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो रूट हट गया, केवल 3 रह गया, और नीचे 2 है तो 2 को 2 से गुणा करने पर कितने आ गए, 4, ठीक है। उसके बाद में क्या हो, वापस 3 की जगह 3 तो ऐसे कैसे, प्लस की जगह, या अगर कोई संख्या कटती है तो काट दे, क्योंकि बीच में गुणा का निशान, नहीं कटे तो ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से गुणा करना, तो 3 को 3 से किया 9, 1 को 4 से किया 4। फिर उसके बाद अब वापस यहाँ ध्यान, यहाँ क्या हमारे बटे हुए में संख्या है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, अगर यहाँ प्लस आ गए या माइनस आ गए, बटे हुए में है तो लघुत्तम लेके सवाल को हल करना। 1 और 4 का लघुत्तम लिया 4, 1 का भाग हम 4 में देंगे, 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 10 की जगह प्लस, वापस 4 का भाग 4 में दिया 1, 1 को 9 से गुणा किया तो 9। अब 12 और 9 का योग किया, 12 और 9 कितना हो गया, 21 बटे हुए 4 की जगह 4, 21 बटे हुए 4 हमारा क्या बेटा आंसर होता है। अगर ये संख्या फिर कटती तो काट सकते, लेकिन नहीं कटती कोई बात नहीं, 21 बटे हुए 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसी तरह से आपके उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 आ रहा है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात, ठीक है। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ध्यान हमारे को रखना है इनटू का निशान है, ठीक है। अब वापस क्या करना, हमारे को सारणी में से मान देखना है, साइन 60 का मान सारणी में से रूट 3 बटे हुए 2, गुणा का निशान, कोस 30 डिग्री का मान रूट 3 बटे हुए 2, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, साइन 30 डिग्री का मान सारणी में से 1 बटे हुए 2, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए गुणा, कोस 60 डिग्री का मान सारणी में से 1 बटे हुए 2। अब यहाँ गुणा का निशान है, इसलिए क्या, अगर कटती है तो काटना है, लेकिन नहीं कटती है तो क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से गुणा, रूट 3 को रूट 3 से किया रूट हट जाएगा, क्योंकि एक जैसी रूट की संख्या है, तो 3 रह गया, नीचे 2 2 को गुणा किया तो 4, प्लस की जगह प्लस, वापस इसी तरह से, अगर इधर कोई संख्या कटती है तो काट, नहीं कटती है तो ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे वाली से गुणा, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4। गुणा करने के बाद में वापस अब यहां देखना, 3 बटे 4 प्लस 1 बटे में 4, मैंने भी क्या बताया, अगर यहाँ प्लस या माइनस आ गए बटे में हो तो लघुत्तम लेना है, तो वापस 4 और 4 का लघुत्तम क्या हो गया, 4, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया तो ये 3 आ गया, प्लस की जगह प्लस, वापस 4 का भाग 4 में दिया 1, 1 को 1 से किया तो 1,
अब तीन और एक को जोड़ा तो चार, कटे हुए चार, चार बटे हुए चार अगर काटती तो काटना है, ये चार एकम चार और ये चार एकम चार, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, एक। ठीक है, अब ऐसे कैसे हमारे को एच एलजी में क्या करना है, दो प्रश्न हल करना है। दो प्रश्न कैसे, सबसे पहला सवाल है कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 60। ठीक है, इनके बीच में कोई चिन्ह गुणा का निशान लगाना ही है, इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है जो गुणा का निशान लगाना है। सवाल ऐसे कैसे इसको हल करना है, जैसे ये कर रखा है। इसी तरह से दूसरा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस दो कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस तीन टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अभी हमने ये सवाल किया था ऊपर वाले, ठीक है ना, तो ये दो प्रश्न अपने को एस डब्ल्यू की कॉपी में हल करना है। ठीक है, तारीख डाल करके आज की और ये सवाल को हल करना है। ठीक है, धन्यवाद।